हे गाइस वेलकम बैक ब्लॉग्स रोल पे फिर से सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मैं हूँ सिरपुर पे और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल है वो दिखाने के लिए पहुँचा हुआ। इसका नाम है दस्तकुंड वाटरफॉल, ये मेरे पीछे साइड लिखा हुआ है। अगर आप सिरपुर से आते हैं तो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर अपने को अंदर जाना पड़ा। रूट तो नहीं बतला पाया लेकिन ये बोर्ड नजर आएंगे आप लोगों। सिरपुर से जब निकलेंगे तो ये सीधा लेके जाती है करिडोल, कुतुरिया धाम भी इसी साइड से आप जा सकते हैं। करिडोल यहाँ से 41 किलोमीटर है, मोरी 5 किलोमीटर, दस्तकुंड झरना यहाँ से है रास्ता गया हुआ। यहाँ से अपने को अंदर जाने हैं, देखो सब भाई लोग, चलो चलो आइए। चाय पानी शाम होने वाली है, जल्दी चलते हैं, नहीं मजा हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, आगे चाय भी पीनी है। सही बात है। गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं दस्तकुंड वाटरफॉल के पास में। काफी सारे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, अभी हम लोग गाड़ी पीछे तरफ में रख दिए हैं। गाड़ी पार्किंग का 30 रुपए चार्ज लगा है। अच्छा माहौल बना हुआ है लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वाटरफॉल में कितना पानी है फिलहाल, यहाँ पे आप लोगों को खाने पीने के सामग्री भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं। देखो गर्मा गर्म भजिया जैसे चिप्स वगैरह भी मिल जा रहे हैं, तो ये सब खरीदारी कर सकते हैं। देख रहे हो चारों सब खा पी के यहीं पे फेंक दिए हैं। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। पानी का जो लेवल है थोड़ा सा मुझे कम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है उतना अच्छे से बह नहीं रही है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पूरा बदली छाया हुआ है। यहाँ भी एक दुकान खोल गए जहाँ पे चाउमीन अंडा सब मिल जा रहा है। तो भी अपने को लगभग 500 मीटर का ट्रैकिंग करना है वाटरफॉल के लिए। आंटी लंगी घूम के वापस हो रहे हैं अपने घर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो रिटर्न हो रहे हैं। मौसम ऐसा हो गया कि कभी भी बारिश हो सकती है। ये देखो भाई साहब, बाकी में यार काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब वाटरफॉल का आनंद उठा के जा रहे हैं। तो हम चलते जा रहे हैं आप लोगों को दस्तकुंड वाटर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पूरा पत्थर वाला रूट है, ये देखो इस तरह से। हालांकि यहाँ के जो पत्थर है उतने ज़्यादा नोकीले नहीं है लेकिन फिर भी आप जूते पहन के आइएगा स्पोर्ट्स। और वाटरफॉल एकदम पास में ही है, यहाँ से हल्का हल्का नज़र आ रहा है। तो थोड़ा पास चलते हैं और देखते हैं एक बारी, हम यहाँ से नज़ारा देखते हैं और आप लोगों को भी नज़ारा दिखलाते हैं। ये देखो सब बोतल कचड़ा सब फैला के छोड़ दिए हैं, और सामने में दिख रहा है दस्तकुंड वाटरफॉल। पानी का लेवल थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी लोग बैठ के मस्त स्नान करते हैं, चील मारते हैं। तो चलो अभी आगे बढ़ना है, यहाँ से चलते हैं भाई वाटरफॉल के पास, देखते हैं। वाटरफॉल के पास में तो काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सिरपुर से लगा हुआ है ये वाटरफॉल। बाय रूट तो मैं आप लोगों को नहीं बतला पाया, डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैं बताया हूँ कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। अगर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट छोड़िएगा। तो ज़्यादा बारिश होगी ना तो अपन आएंगे यहाँ का ब्लॉग शूट करने के लिए। आज तो मौका मिल गया तो अपन आ गए, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। इसी बहाने अपन भी देख रहे हैं दस्तकुंड वाटरफॉल। ये देखो भाई यहाँ से नज़ारे हैं काफ़ी शानदार। तो थोड़ा और पास चलते हैं दस्तकुंड वाटरफॉल की, और यहाँ पे सब गुड़िया लोग घूम फिर के वापस हो रहे हैं। एक बार यहाँ से नज़ारा देखते हैं हम, यहाँ से नज़ारा देखते हैं भाई, क्या बात है। इस साइड में पानी की जो रफ्तार है थोड़ा सा तेज है, और लोग वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे हैं। तो थोड़ा पास में चलेंगे आप लोगों को पूरा वाटरफॉल दिखलाएंगे। देख रहे हो एक ही धारा बह रही है। अगर आप लोग नहाना चाहते हो तो यहाँ भी बैठ के आराम से नहा सकते हो, यहाँ पे डूबने का डर नहीं है। तो ठीक अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वाटरफॉल के पास चलते हैं। देख रहे हो पत्थर ही पत्थर है गाइस। तो यहाँ से नज़ारे देखो आप लोग दस्तकुंड वाटरफॉल के, और यहाँ पे प्राकृतिक झूला भी है, ये प्राकृतिक झूले का आनंद उठा सकते हैं। बाकी यहाँ से चेकआउट करिए नज़ारे, क्या बात है, बहुत प्यारा। हालांकि पानी का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से थोड़ा सा मज़ा जो है फीका पड़ गया है। बारिश ज़्यादा होता है ना तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर हो जाता है। तो आएंगे ज़्यादा बारिश होगा तो आप लोगों को दिखलाने के लिए। और देखो हमारे भाई लोग वहाँ पे जाके फोटोग्राफी कर रहे हैं बढ़िया सा। आप लोगों को ये नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आइट साइड के लिए देखूँ तो
पूरे जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कुछ लोग तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो देखो भाई लोग वहाँ गए हुए हैं ऊपर। चलो थोड़ा और पास चलते हैं वाटरफॉल के एकदम नज़दीक। देखो कैसे कैसे लोग उतर रहे हैं भाई, तो यहाँ से नज़ारा देखो, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे दो जोड़े हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वहाँ कूदने के प्लानिंग कर रहे हैं क्या। इतने टॉप में चले गए भाई साहब, एकदम वाटरफॉल के नज़दीक में जाना, थोड़ा फिसलने का चांसेस बहुत रहता है। ये है वाटरफॉल, देख रहे हो क्या जबरदस्त दिख रहा है। यहाँ से तो और ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है भाई, एकदम नज़दीक में है वाटरफॉल के। मैं आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे दो जोड़े हैं जो स्नान कर रहे हो, भाई भी कूद गया। देख रहे हो भाई लोग कहाँ जा के बैठे हुए हैं यार। तो मैं भी वहाँ पे खड़े होकर नज़ारा दिखला रहा था, अभी यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ से तो और ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है यार। हर एंगल से देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये वाटरफॉल। अगर आप कभी नहीं आए हो तो एक बार विजिट करना तो बनता है, क्योंकि ये महासमुंद जिले में आता है, पास में ही है। रायपुर से मात्र ये 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और भाई लोग देख रहे हैं कहाँ पर गए हुए हैं भाई, एकदम नज़दीक में, और सब कूद रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है यार, देखो भाई लोग कहाँ पे खड़े हैं। पैर फिसला अगर सर में लग गए पत्थर तो भाई खेल वहीं ख़त्म। यहाँ पे देखते देखते काफ़ी सारे लोग आ गए हैं वाटरफॉल का आनंद उठाने के लिए। भाई साहब क्या बात है, और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं। अंकल देख रहे हो अभी आए हैं, अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। ये देखो वाटरफॉल, तो ये जगह पे आके काफ़ी अच्छा लगा भाई। ये मेरा तीसरी बार है, दो बार ऑलरेडी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को बैरूत नहीं बतला पाया, तो कमेंट छोड़िएगा मुझे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और देख रहे हो काफ़ी सारे लोग अभी भी आ ही रहे हैं भाई घूमने फिरने के लिए। ये देखो सब यहाँ पे बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, बढ़िया सा यादगार के तौर पर। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग।